सरपंच पति ने किया रोजगार सहायक पर हमला, पीएम जनमन आवास योजना में नाम जोड़ने को लेकर हुआ विवाद। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुरिच्छा गांव के रोजगार सहायक पर सरपंच पति और 10-12 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर बेरहमी से मारपीट कर दी। घायल रोजगार सहायक को पुलिस ने इलाज के लिए बैराड अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से उसे जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गुरिच्छा गाँव के रोजगार सहायक महेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वह रविवार को पंचायत क्षेत्र के गांव देवपुर में पीएम जनमन आवास योजना का सर्वे कर नाम जोड़ने का काम कर रहा था। इसी दौरान सरपंच नीलम तोमर, उनके पति ब्रजेंद्र तोमर 10-12 लोगों के साथ आए और पीएम जनमन आवास योजना में नाम जोड़ने की बात को लेकर उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रोजगार सहायक को परिजनों और पुलिस द्वारा उपचार के लिए बैराड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुनिए क्या कहा रोजगार सहायक ने। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये मारपीट की घटना हुई है, जो क्या घटना है, पूरा मामला क्या है? ये पीएम जनमन के तहत आदिवासियों के नाम आवास में जोड़े जा रहे हैं, मैं उसके लिए देवपुर में आवासों में नाम जोड़ने के लिए गया। हम वहाँ पर जोड़ रहे थे, तब तक गांव से फोन आया गुच्छा से कि वो ट्रैक्टर भर के सरपंच नहीं हो, सरपंच के सभी लोग 10-12 लोग उसमें भर के तुम्हें मारने गए हैं, यहाँ कह रहे थे कि हमारे हिसाब से नाम जोड़ो। तो उनने जैसे ही कहा तो मैं वहाँ से, मतलब मेरे पास खबर आई तो मैं वहाँ से निकल दिया, मेरी गाड़ी के पीछे ट्रैक्टर लगा दिया, 3-4 लोग आगे से बीच में मेरी गाड़ी रोक ली और मेरे साथ बिल्कुल ये जान से मारने के लिए हमला कर दिया। बोला अगर तू नाम जोड़ेगा, हम सरपंच हैं, हमारे हिसाब से जोड़ेगा, हम जिसके कहेंगे वो घर पर आगे हमारे नाम जोड़ो। तो किस किस ने आपके साथ मारपीट की थी? नीलम तो हमारे सरपंच थी, वो ट्रैक्टर पर वो भी थी साथ में, उसने कहा सबको मार दो इसको, आज के बाद देखना नहीं चाहिए। तो उनके पूरे परिवार के लोग, मंगल सिंह, सेंटू, ब्रजेंद्र सिंह और 3-4 लोग और थे, पूरे वो तो पूरा परिवार ही था। तो कुल कितने लोगों ने हमला किया? 10-12 लोग। 10-12 लोगों ने? हाँ। आप क्या चाहते इस मामले को लेकर? नहीं, आप शासन के काम से गया था, मेरा तो कोई काम ही नहीं था, मैं तो गरीब लोगों के नाम जोड़ने के लिए शासन के आदेश के तहत गया था। अब इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।